हेलो फ्रेंड्स, कुमुदिनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैंने आधा कप मूंग की दाल से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया है, जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। देखने में सुंदर और खाने में मज़ेदार, चटपटा और बनाने में बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आपके घर में सबको ये पसंद आएगा और सब आपकी तारीफें करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आधा कप मैंने मूंग की दाल ले ली है। आधे कप से ही हम पूरे नाश्ते को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आधा कप मूंग की दाल ले ली और इसको हम मल मल कर 3-4 पानी से अच्छे से धो देंगे, ताकि जितनी भी डस्ट हो वो निकल जाए। तो देखिए, मैं इस तरीके से पूरी उंगलियों की मदद से मल मल कर धो रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार है, नए हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कहाँ से आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं ज़रूर मुझे बताइए। क्या आप भी इस तरीके से हेल्दी नाश्ता बनाते हैं क्या? अगर नहीं बनाते तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद बनाइए और खाइए, और मुझे कमेंट कीजिए आपका ये नाश्ता कैसा बना। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से हमारी मूंग की दाल फूल गई थी लगभग 2 घंटे में। अगर आप भूल जाएँ तो आप 15 मिनट में गर्म पानी में भिजा के रख सकते हैं, तो भी फूल जाएगा। यहाँ पर मिक्सर में मैंने ऐड कर दिया है, जो मूंग की दाल में थोड़ा सा पानी था उसी से पीसा है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। अगर आपको लगे कि और पानी डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इस लिक्विड को, मूंग की दाल को, बहुत पतला नहीं पीसना है, गाढ़ा ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप सूजी भी ली है और आधा कप दही भी ली है, तीनों इक्वल मात्रा में लिया है फ्रेंड्स। अगर आपके पास माप के लिए कप नहीं है तो आप कोई भी ग्लास या बाटी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों लगभग एक ही मात्रा में लेना है। तो देखिए, हमारा इस तरह से गाढ़ा घोल पीस कर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कैसे दिख रहा है ये। बस अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, देख लीजिए। और साथ ही में मैंने कुछ तैयारियां कर ली हैं, जो भी सब्जी आपके पास हो। लेकिन आज मैं ये रेसिपी बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ, तो ये सबके लिए पसंद आएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और आधा चम्मच जितना हल्दी डाल दिया है और थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर डाला है, ये तीखा लाल मिर्च पाउडर है। और यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल दिया है 1 चम्मच जितना, और ये हरी मिर्च है, 2 हरी मिर्च मैंने बारीक काट लिया था। और यहाँ पर 1 मीडियम आकार का टमाटर मैंने काट लिया था, उसके बीज निकाल दिए हैं। यहाँ पे 1 छोटा गाजर काट लिया था मैंने, या तो चॉप कर लीजिए या तो पतला काट लीजिए। यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च काट ली है बारीक, और यहाँ पे हरी धनिया काट ली है। ज़्यादा मैं इसमें मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसको हमको बहुत ही हेल्दी बनाना है और साथ में टेस्टी कुरकुरा भी बनाना है। तो देखिए, ये मिक्सर हमारा मैं तैयार कर रही हूँ। अच्छे से मिला लेंगे ताकि हल्दी मिर्ची नमक पूरे मिल जाए। और आपको तो पता ही है कि सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं, तो जैसे ही नमक के साथ में ये मिलती है, फिर मैंने देखिए अब ये हमारा घोल थोड़ा सा गीला हो चुका है, लेकिन मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दिया, और साथ ही में तड़के वाला जो पैन आता है ना छोटा सा, उसी में मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ फ्रेंड्स। सच बताती हूँ, बहुत ही अच्छा बनता है। एकदम लो गैस पर सिर्फ 2 से 3 बूंद तेल डाला है मैंने इसके अंदर, और इसके अंदर थोड़ा सा हम सरसों का दाना डाल देंगे और थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल देंगे और कड़ी पत्ता इसके अंदर 2-3 ऐड कर देंगे। अब जो हमने इसमें घोल बनाकर रखा है उसको 2 चम्मच भरकर इसमें ऐड करेंगे, देख लीजिए इस तरीके से, और ढक देंगे। एकदम स्लो गैस पर ही पकाना है। और ये देखिए, आप 1 मिनट भी पूरा समय नहीं हुआ हो, अच्छे से ये पक चुका है। अब इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से पलट देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पैन हमारा नहीं छोड़ता जब पहली बार हम बनाते हैं, तो क्योंकि तड़के का पैन है तो हम इसमें हमेशा तड़का देते रहते हैं, तो अब भी इसका शेप उतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन जब हम दोबारा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा शेप आएगा। तो देखिए, फिर से मैंने तड़का तैयार किया, उसके अंदर ये 2 चम्मच जितना घोल डाल दिया है। बहुत ज़्यादा इसमें घोल डाल के न पकाएं, क्योंकि बीच में कच्चा रहने का डर है।
यहाँ पे देखिए ये इस बार इसने छोड़ दिया है आसानी से। जब ये एक तरह से पक जाए ना, तब इसको हम इस तरह से पलटी कर देंगे उसी में, और फिर एक मिनट के लिए ये पकने देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये एकदम क्रंची कुरकुरा हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी है। तो कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट जरूर कीजिए आप, भूलिएगा मत। दिख रहा है ना एकदम सुंदर। अगर आपको लगे कच्चा है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, चाकू चम्मच जैसे भी चेक करते हो आप चेक कीजिए, और उसको कुछ सेकंड के लिए फिर से रहने दीजिए। देख लीजिए अब इसका कलर चेंज हो गया है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, अगर ज़्यादा गर्म हो जाए हमारा तड़के का पैन तो गैस को ऑफ कर दीजिए, और उसके अंदर इस तरीके से तेल, सरसों का दाना, सफ़ेद तिल, कड़ी पत्ता डालिए, और दो चम्मच जितना ही बैटर डालिए, और उसको ढक दीजिए। उसके बाद फिर गैस को चालू कर दीजिए स्लो गैस पे, और फिर वापस इसको जब एक कलर बदली हो जाए, थोड़ा सख्त दिखने लगे, तब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। तो हेल्दी टेस्टी नाश्ता, देखने में सुंदर, खाने में मज़ेदार, और बनाने में भी बहुत ही आसान। तो कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे बताइए, बनाइए खाइए मेरे बोलने से, जरूर इस तरीके का नाश्ता बनाइए जो आपके घर में सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। अभी गर्मा गर्म मैंने उतारा है, आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स एकदम सुंदर है ना देखने में, एक मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, देखिए ये किस तरीके से अंदर से पूरा पक चुका है। बस इसी तरह से आपको बनाना है, और बहुत ही कम समय में आपकी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो लाइक शेयर करना ना भूलें।